हेलो फ्रेंड्स, आरतीज पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ आलू पोहा कटलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू। आइए फ्रेंड्स, तो बनाते हैं आज आलू पोहा के कटलेट्स। सबसे पहले मैंने एक कप पोहा लिया है, उसको हम पानी में सोक कर लेंगे। डेढ़ कप पानी में मैं उसको भिगो के रख दूंगी। 5 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे ढक के और फिर इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। अब पोहे को चेक कर लेते हैं, पोहा अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे। अच्छे से इसका पानी निकाल देना है। पानी निकालने के बाद इसको हम 5 मिनट के फिर रेस्ट पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए और इनका जो मॉइस्चर है अच्छे से इनमें अब्सॉर्ब हो जाए। पोहा को सेट करने के बाद हम बाकी का सामान देख लेते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं, वो मैंने आलू एक बाउल ले लिया है, उसको मैंने 2 से 3 आलू हैं जो मैंने मैश करके रख लिए हैं, धनिया की पत्ती है, 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है बाइंडिंग के लिए, 2 हरी मिर्च काट के रखी है छोटी वाली और 1 प्याज काटा है और शिमला मिर्च आधी काट के रखी है। ये सब हम टिक्की में मिक्स करेंगे और मसालों में मैंने नमक स्वाद के अनुसार ले लेंगे और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला, ये सब हम आधा आधा चम्मच लेंगे और नमक हम अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ले लेंगे। सबसे पहले हम पोहे को बाउल में डाल लेंगे। अब इसको अच्छे से मैश करना है। अब देखो ये अच्छे से सूख भी गया है, इसको हाथों की मदद से हम अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम इसमें जो मैंने 2 से 3 जो मीडियम आलू मैश करके रखे थे बॉयल, वो डाल देंगे। इनको अच्छे से आपस में मिक्स कर लेना है, आलू और पोहा आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाए। चलिए अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं। इसमें प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, कुछ धनिया के पत्ती। धनिया आप ज्यादा ही डालिए, अच्छा लगता है। और 2 चम्मच बेसन, ये डालना बिल्कुल मत भूलिए, ये बाइंडिंग के लिए बहुत जरूरी है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और उसके बाद हम सारे मसाले जो हैं वो डाल देंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला। चाट मसाला डालने से भी टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है और इसको हाथों से बना के भी देखेंगे, अच्छे से बाइंड भी हो रहा है। अब आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, आप इसको गोल टिक्की का शेप भी दे सकते हैं हाथों से ऐसे गोल करके, ऐसे इसको गोल गोल बना के आप इसको ऐसे सरफेस पे नीचे रोल करके टिक्की का शेप अच्छे से दे सकते हैं। ये अब हमारी टिक्कियां बिल्कुल तैयार हैं। अब हम दूसरी शेप देके कटलेट्स भी तैयार कर लेते हैं। हम इसके लिए टूथपिक का यूज करेंगे। टूथपिक को हम मिक्सचर के बीच में ऐसे इंसर्ट करके जैसी भी शेप आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। ऐसे हम इसको तैयार कर लेंगे, इसके जैसे हम और भी पीसेस तैयार कर लेंगे। अब हमारी ये टिक्की और कटलेट्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे या आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। हम इनको डीप फ्राई करेंगे।
ऑयल हमने हीट कर लिया है, अब हम इसमें एक एक करके टिक्की डाल देंगे। आप उतनी ही टिक्कियां डालें जितना आपने तेल डाला है उसके अकॉर्डिंग ही। मैं एक बार में 4 टिक्कियां फ्राई करूंगी। अब हम इनको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। पहले हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी इसको टच नहीं करेंगे और बाद में हम इनको फ्लिप कर देंगे। अब हम इनको फ्लिप कर लेते हैं। अब ये थोड़ी थोड़ी गोल्डन होने लग गई हैं अब सबकी। अब ये अच्छे से गोल्डन हो गई हैं। अब हम इनको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। ऐसे ही हम सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें जो कटलेट बनाए थे वो डाल देंगे। इनको भी गोल्डन होने तक फ्राई करके निकाल लेंगे। अब आपके आलू बोहा कटलेट्स बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी हैं। आप इसको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स में सर्व कर सकते हैं।